पर बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हो कुछ बता दो अभी। थोड़ा बहुत कर रहा हूँ। कौन है आपका फेवरेट एकदम कंटेस्टेंट? यार दो लोग मुझे अच्छे लगते हैं, एक तो मुझे अंकित हाँ। क्योंकि मेरा भाई साथ में काम किया था ऑब्वियसली, और उसकी वजह से नहीं मुझे लगता है कि वो बहुत कम बोलता है लेकिन बहुत सही बोलता है, हमेशा बोला है मैंने ये बात हाँ। और अर्चना, अर्चना जी हाँ, वो मतलब कुछ तो बता दो अर्चना की क्या अच्छी बात आपको लग रही है अंदर? वो कुछ भी बोलती है यार, कुछ भी करती है, लेकिन मुझे लगता है कि वो इंटरटेनिंग है, क्योंकि कभी कभी तो हो ही जाता है, बट जितना मैंने देखा है इंस्टाग्राम या कहीं पे भी उतने तो इतने लोग अच्छे लगते हैं। अब्दू कैसा लगता है आपको? क्यूट है लेकिन गेम के लिए ठीक है भाई, क्यूटनेस नहीं चाहिए मुझे। और सालिन और टीना के अंदर जो केमिस्ट्री बन रही है उतना ध्यान ही नहीं दिया मैंने। और प्रोजेक्ट आ रहा है बहुत कुछ, कुछ तो बता दो बीआर से रिलेटेड या फिर ये इंडस्ट्री है? सब 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 रिलेटेड, सब जगह से रिलेटेड, कुछ तो बता दो। गाना, वेब, जो बोलोगे वो ठीक है। थैंक यू सर। और टॉप 3 कंटेस्टेंट बोलो बिग बॉस के। यार वो दोनों तो होने चाहिए, अंकित और वो, क्योंकि अंकित बहुत डिफरेंट टाइप का लड़का है और बहुत अच्छे तरीके से खेल रहा है, और कभी तो ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए ना यार, जो फालतू का खिचखिच नहीं करते, चिक चिक नहीं करते, मतलब बिग बॉस मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा जगह है जहाँ पे आपके रियल पर्सनालिटी को लोग देखने चाहिए। तो एक एक तो वो हो गया, एक अर्चना हो गई, और एक किसी को भी डाल दो। नहीं बता दो, किसी को भी डाल दो, काम करना हम आपको भेज देते हैं वाइल्ड कार्ड में। आऊँगा फिर कभी, चलता है कलश हो गया थर्ड फिर हमारा, फिर विनर्स पे, फिर विनर जनता आपको ही बना देगी। अरे इस बार आओ तो जीत के दिखाऊंगा फिर। हो गया जो हो गया, समझे, थर्ड तो हो गया हमारी तरफ से, थर्ड है वो, आप ख्याल रखो, चलो विनर भी बन जाओगे। बाय बाय।